अरवल जिला में पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों तथा महंगाई के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। साथ ही प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन किया गया। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व महकमा माले जिला सचिव जितेंद्र यादव, उपेंद्र पासवान तथा राजद जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव के द्वारा किया गया। भगत सिंह चौक पर सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन विधायक महानंद सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के आते ही डीजल और पेट्रोल का दाम शतक पार कर चुका है। ये सरकार केवल निजी सरकार बनकर रह गई है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को ना तो गरीबों की चिंता है और ना ही किसानों की। इसलिए डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने का मतलब सभी वस्तुओं का दाम में बढ़ोतरी हो जाना, महंगाई होना, और महंगाई को बढ़ाने में ये मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। आपको उज्ज्वला योजना के तहत आपने देखा था कि गैस का ये इन्होंने गैस सिलेंडर बांटे थे कि हम गैस दे रहे हैं, लेकिन आज जो है धीरे धीरे करके सब्सिडी समाप्त के तरफ ले जा रही है। यदि महंगाई बढ़ती है तो ये मुनाफा किसान मजदूर को फायदा नहीं होता है, ये महंगाई का फायदा सीधे सीधे ये बड़े बड़े कारपोरेट लोगों के पूंजीपतियों को फायदा होता है। आपको बता दें कि इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं के अलावे भाकपा माले कार्यकर्ता महेंद्र प्रसाद यादव तथा नंद किशोर कुमार भी मौजूद थे। अरवल से तबरेज अंसारी के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, एटीएन लाइव इंडिया।